ये मुचरस है, मुचरस संबल एक दरख्त होता है, उसकी ये गोंद है, इसको मुचरस कहते हैं। इसके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, जिस तरह कीकर की गोंद होती है, चीड़ भी बोलते हैं, इसी तरह इसको मुचरस गोंद, संबल की गोंद, संबल की चीड़। ये पहले सफ़ेद लेसदार होती है, गाढ़ी होती है, बिलाखिर ये सुर्ख हो जाती है और ये टुकड़ों की सूरत में इख्तियार कर लेती है। ये टुकड़े आसानी से नहीं टूट सकते, बहुत सख्त होते हैं, देखें बहुत सख्त हैं, ये देखें हाथ से नहीं टूटते, बहुत सख्त होते हैं। इसका अलहदा सफूफ पहले बना लिया जाता है, उसके बाद ये दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, पहले मैं इसको आपको बताता हूँ कि खुराक के हवाले से 3.5 माशे से 4 माशे तक इसकी खुराक ली जाती है। ये काबिज़ हमसे यानी कि ना फारग होने वाली, जो मादा मनियों को खारिज होने से रोकती है, हमसे इसलिए कहते हैं हाबे से दम है, दस्तों को रोकती है, दस्तों को बंद करती है, ज़्यादा आने वाले हैज़ को बंद करती है, सिलान और रैम के लिए बहुत मुफीद है, लकोरिए के लिए बहुत मुफीद है। ये मजूनों में भी इस्तेमाल होती है, मजून मोचरस इसका मशहूर मुरक्कब है। ये रतूबत रैम, रैम से जो रतूबत खारिज होती रहती है, सिलान और रैम कहते हैं अक्सर, बाज़ औक़ात औरतों को होती है ये, तो उसके लिए बहुत मुफीद होती है। इसको पीस कर थोड़ा मंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका लत कपड़ा इसमें लत बत करके रैम में भी रखा जाता है, ताकि रैम की सोजिश और रैम की जो रतूबत खारिज होती है उसको रोका जाए। और मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये ममसक होती है, इससे जल्दी इंजाल नहीं होता, जल्दी बंदा फारग नहीं होता, तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुफरद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मरकब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल पट्टी वाले बटन को दबाएं और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएँ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें।